गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। मटेरियल कॉस्ट हमने स्टार्ट किया था, बराबर है ना? उसके पहले कॉस्ट शीट रिलेटेड वगैरह सब आप कर रहे हो क्या? रोज करो, रोज रिवाइज। ईओबी में भी चल रहा है वही रेगुलर की तरह, नहीं ना? चलो, तो ये हमने, मैंने कुछ आपको होम एक्सरसाइज दिया था, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस एंड एचएमएल एनालिसिस, याद है क्या आपको? तो आप करके आए क्या बच्चों? ये समझो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट ए नोट ऑन एबीसी एनालिसिस। क्या लिखोगे आप बताओ? एबीसी एनालिसिस बताओ, कुछ तो बताओ उसके बारे में। नहीं पढ़ के आया आप? ये इट इज अ मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉइंट, इज अ मेथड यूज्ड फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल। और बताओ, बस एग्जाम में आया एबीसी एनालिसिस, इतना ही लिखोगे? सो मेथड ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। और ऐसे ऐसे लिखोगे जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, यस। सो एज पर एबीसी एनालिसिस, रॉ मटेरियल्स आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, नेमली ए, बी एंड सी। इन ए कैटेगरी देयर आर गुड्स ऑफ वैल्यू अराउंड लेट्स से 70-80%, बट जिसका वॉल्यूम जो होता है वो लेट्स से 10-15% होता है। अब ये 10-15 की जगह आपने 10-20 लिखा या 5-15 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझता है कि आपको ये? वो तो कंपनी टू कंपनी वैरी हो सकता है। इन बी कैटेगरी आप समझ रहे हो क्या बच्चों? ऐसे गुड्स रहते हैं जिसका वैल्यू लेट से, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? जिसका वैल्यू लेट से 10-20% है, तो वॉल्यूम भी कितना होता है बोलो? 10-20% ही होता है। आप समझ रहे हो क्या? जबकि आप समझ रहे हो बच्चों, सी कैटेगरी में वो गुड्स है जिसका वैल्यू सिर्फ 10-15% है, बट वॉल्यूम कितना है बोलो? 70-80% है। समझ में आ रहा है आपको ये? इस परसेंटेज कैन बी स्लाइटली डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रॉ मटेरियल आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरी, तो ऑब्वियसली ए कैटेगरी गेट्स एटमोस्ट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, करेक्ट और नॉट? जब भी कोई भी किसी भी चीज का स्टोरेज में, आप बताओ किसको कितना सिक्योरिटी में रखना है, किसका कितना ना अच्छे से स्टॉक मेंटेन करना है, वो उसके लिए ए कैटेगरी विल गेट मोर प्रायोरिटी और नॉट? वैसे तुम्हारी जिंदगी में भी हजार चीजें हैं, हजार चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या? आप बताओ, कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, नहीं सर बढ़िया सीए करते करते हमारी जिंदगी कैसी हो गई, सर हमारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो एंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है, बट आज की डेट में आपने एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा सी कैटेगरी पे रखना चाहिए, एजुकेशन को ए कैटेगरी पे रखना चाहिए, ताकि मे बी आप थोड़ा करेक्ट टाइम पे एंटरटेनमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस पे वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फाइनेंशियल टारगेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी अचीव्ड एट दैट टाइम। समझता है कि आपको ये? अच्छा मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के कस्टमर्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ 10-15% कस्टमर्स है, बट जो कंपनी के 80-85% प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा वैल्यू रहेगी ना कंपनी में, करेक्ट और नॉट? हम पर्सनली उनको ध्यान देंगे, हम पर्सनली देखेंगे कि वेदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, ऑब्वियसली, करेक्ट और नॉट? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखेगा कि अपने एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स कौन है, एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर। बट बुरा मत मानो, देखो बिल्कुल गलत मत मानो इसमें, बट समझो मुझे एक दिन है, समझो कि मैं भाई ज्यादा जराज, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड मैं 4 आरसी क्लास ले सकता हूं। मेरा फाउंडेशन का मैथ्स रेगुलर क्लास है, इंटर का कॉस्टिंग का रेगुलर क्लास है एंड ये इंटर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, तो मुझे तीन में से एक को छुट्टी देना पड़ेगा, तो मैं किसको छुट्टी दूंगा बताओ? ईमानदारी से बताओ, ऑब्वियसली इसको छुट्टी दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो रेगुलर बैच है, वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है। अरे अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये जो है ये तो मोस्टली ऑनलाइन बैच है, करेक्ट और नॉट? इसमें मैं कौन से टाइम पे क्या प्रोवाइड करता हूं वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, करेक्ट? बट रेगुलर बैच में ले तो यहां पे फेस टू फेस बच्चे बैठे हुए, उनका एक 31st का फर्स्ट करना भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनको अपना रूम छोड़ना है, हॉस्टल छोड़ना है, एक तारीख को यहां पे रह ही नहीं सकते, फिर दे विल बी एब्सेंट ऑन दैट डे, करेक्ट और नॉट? तो कहीं ना कहीं एक कैटेगरी पे हमने उनको रखा गया ना, तो आप मुझे बताओ कंपनी में कोई रॉ मटेरियल रहेगा? हर एक रॉ मटेरियल को आप जैसे यहां पे देखो, मैं कैलकुलेटर ये बुक इधर ही छोड़ के चला गया, यस और नो? जबकि मेरा आईपैड तो मैं निकाल के लेके गया ना,
इसका मतलब आईपैड का कैटेगरी हो सकता है कि या तो ए था या बी था, बट कैलकुलेटर ये बुक में इधर ही छोड़ के गया, मे बी इट वॉज सी कैटेगरी. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो रॉ मटेरियल को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ऑब्वियसली ये एबीसी एनालिसिस का और एक दूसरा नाम है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इसको क्या बोला जाता है? और सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या कुछ कुछ बुक्स में इसको ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल ऐसा भी बोला गया है. क्या बताया गया है? बोलो, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, या कुछ कुछ जगह पे इसको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ऐसा भी बोला है. क्या बोला है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि एवरीथिंग इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, कोई हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स? यस और नो? तो ये हुआ एबीसी एनालिसिस. अब उसके बाद बताओ व्हाट इज वीईडी एनालिसिस. तुम ही बताओ मेरे भाई, वीईडी एनालिसिस क्या होता है? हाँ बोलो. वीईडी एनालिसिस, वी मतलब क्या? वाइटल. ई मतलब एसेंशियल. एंड टी इज, सॉरी डी इज डिजायरेबल. ओके, तो अगर समझो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया वीईडी, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि वीईडी एनालिसिस इज मेनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स. फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स में ये वीईडी एनालिसिस यूज होता है. समझता है? इसमें ऑब्वियसली रॉ मटेरियल तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. पहला वाइटल, दूसरा एसेंशियल, तीसरा डिजायरेबल. एज द नेम सजेस्ट, वीईडी. बराबर ना बच्चों? वाइटल कैटेगरी में वो स्पेयर पार्ट्स रहते हैं जिसका नॉन अवेलेबिलिटी मे कॉज प्रोडक्शन लॉस. मे कॉज कौन सा लॉस? प्रोडक्शन लॉस. मतलब वो रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन ही होगा नहीं. अब जैसे कि समझो यहां पे मैं आया एंड समझो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्लास होगा ही नहीं. बहुत क्लियर सी बात है, तो उसके बिना हो ही नहीं सकता ना. या समझो माइक नहीं है तो क्लास होगा ही नहीं, उसके बिना तो रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा ना मेरे भाई. यस और नो? तो इट विल कॉज प्रोडक्शन लॉस और नॉट. बट समझो एक हाथ बार, लेट से कैमरा का, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, कोई पर्टिकुलर पार्ट मिसिंग है, लेंस में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दिख तो रहा है और थोड़ा ब्लर दिख रहा है. थोड़ा क्या दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है. तो आप बताओ, लेक्चर होगा बट लेक्चर का क्वालिटी थोड़ा कम रहेगा. तो बताओ इसेंशियल कैटेगरी में वो आइटम्स रहते हैं जिसका नॉन अवेलेबिलिटी, जिसका बोलो नॉन अवेलेबिलिटी कॉजेस. हाँ बोलो, प्रोडक्शन इनिफिशियंसी. क्या होता है उससे? बोलो, प्रोडक्शन थोड़ा समझ रहे हैं ना, कम एफिशिएंट होता है. और इट लीड्स टू सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन. इट लीड्स टू बोलो मतलब थोड़ा लो क्वालिटी प्रोडक्शन होता है. आप समझ रहे हो क्या? बट उसके से प्रोडक्शन बंद होता है क्या? नहीं. एंड देखो लास्ट कैटेगरी जो है इसेंशियल, सॉरी डिजायरेबल, दीज आर ऑप्शनल. समझ आएगी आपको ये? दीज आर बोलो ऑप्शनल. नॉन अवेलेबिलिटी, इसका अगर नॉन अवेलेबिलिटी रहा तो नॉन अवेलेबिलिटी बोलो नाइदर कॉज बोलो प्रोडक्शन लॉस. समझ आएगी आपको ये? नॉर प्रोडक्शन एफिशिएंसी. समझ आएगी आपको ये? इसकी वजह से ना तो कोई प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे इंपैक्ट आता है ना प्रोडक्शन लूज होता है. दे आर ऑप्शनल इन नेचर. समझ आया नहीं? रहा तो कुछ रहेगा, यस और नो? नहीं रहा तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दीज आर डिजायरेबल रॉ मटेरियल्स. समझता है कि आपको ये? ओके, रॉ मटेरियल मतलब ऑब्वियसली दीज आर मेनली यूज्ड फॉर स्पेयर पार्ट्स, वीईडी एनालिसिस. एंड ऑब्वियसली तीसरा बहुत ईजी है, एचएमएल एनालिसिस. इसमें तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है. एच मतलब क्या? हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट. हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट. समझ आया बच्चों? इसमें एबीसी एनालिसिस में क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट ग्रुप का परसेंटेज देखा जाता है. एक कैटेगरी में 10-15% वैल्यू या 10-15% वॉल्यूम है. बट यहां पे क्या हो जाता है? एक रेंज डिसाइड होता है. रेंज विल बी डिसाइडेड टू क्लासीफाई अ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल. समझ आया आपको ये?
वहां पे एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, ग्रुप में होता है, यहां पे क्या होता है पर्टिकुलर रॉ मटेरियल। सुन रहे हो, जैसे सुनो, जैसे कि समझो मेरी कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहां पे मैंने डिसाइड कर लिया, सुन रहे हो मेरे भाई, मैंने बोल दिया कि लेट से 0 से 100 रुपीज तक पर यूनिट कॉस्ट रहेगा, तो दैट इज लो कॉस्ट, 100 से 1000 मीडियम कॉस्ट एंड 1000 एंड अबाव हाई कॉस्ट। तो अब बताओ कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ना फिर यहाँ पे, हर एक अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए आई कैन फाइंड आउट दैट इज हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल, लो कॉस्ट और मीडियम कॉस्ट। समझ रहा है क्या? एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, एक कैटेगरी में 15 आइटम्स है, फिर 15 आइटम्स का टोटल वॉल्यूम एंड 15 आइटम्स का टोटल वैल्यू देखा जाएगा, इंडिविजुअली कोई कंसिडर नहीं करेगा फिर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बी कैटेगरी के समझो टोटल जो आइटम्स है उसका टोटल वॉल्यूम एंड टोटल वैल्यू वही देखा जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? जबकि यहां पे क्या होता है एचएमएल एनालिसिस में, इंडिविजुअली क्या चीज होता है बोलो, इंडिविजुअली। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। चलो फिर ये तीनों कैटेगरी, ए बी सी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस एंड एचएमएल एनालिसिस समझा क्या, बताओ मुझे यस और नो। चलो एक काम करते, एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके ऊपर, दो क्वेश्चन से बेसिक, बहुत बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन से करेंगे बच्चों इतना सॉल्व। चलो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, इस बुक में हम थ्योरी भी लिख रहे हैं और मैंने जगह जितनी जरूरी है उसे कई थोड़ा ज्यादा ही छोड़ी है, तो बीच बीच में आप वहां पे भी थ्योरी लिख सकते हो, जैसे आप बाद में पढ़ाई कर रहे हो ना, क्लास के बाद में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ नोट मिला हो इसी बुक में लिखने का जान, सो कोशिश करने का कि ये बुक अपन एग्जाम के प्रीवियस डे पढ़ने वाले। समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? यस। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू पर आइटम इफ स्टोर हैज 6000 आइटम्स ऑफ कंजम्पशन एंड ईयरली कंजम्पशन ऑफ ₹12 लाख। आप सबको अभी देखो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दिस एज वेल एज रेगुलर बैच। समझ आएगा आपको? बोलो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू पर आइटम इफ स्टोर हैज 6000 आइटम्स ऑफ कंजम्पशन एंड ईयरली कंजम्पशन ऑफ 12 लाख। हाँ बोलो। देयर आर 3 क्लासेस ए बी एंड सी। परसेंटेज ऑफ आइटम्स दिया है, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू दिया है, एंड टोटल वैल्यू कितना है 12 लाख, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 6000। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट एवरेज वैल्यू पर आइटम, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू पर आइटम। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे एवरेज वैल्यू पर आइटम? ऑब्वियसली समझो मैंने हेडिंग लिख दिया पहले, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू पर आइटम। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू पर आइटम। बोलो क्या लिखो उसमें? क्लास कौन से क्लास है यहां पे? 3 एबीसी। देन उसमें लिख रहा हूं मैं परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। उसके बाद क्या लिखो बोलो? ये परसेंटेज अप्लाई करके वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ आइटम्स, चलेगा क्या? उसके बाद में क्या लिखा है बोलो? परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू एंड उसके बेसिस पे वी विल फाइंड आउट टोटल वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी एंड समझो टोटल वैल्यू एक्स है एंड नंबर ऑफ आइटम्स वाई है, तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर एक्स डिवाइड बाय वाई इज द आंसर। नहीं समझा आपको? एवरेज वैल्यू पर आइटम, वेदर एक्स डिवाइड बाय वाई इज द आंसर। समझ रहा है क्या बच्चों? क्लास परसेंटेज नंबर ऑफ आइटम्स, उसके बेसिस पे विल फाइंड आउट नंबर ऑफ आइटम्स। समझ में आ रहा है बच्चों? देन परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू एंड उसके बेसिस पे विल फाइंड आउट टोटल वैल्यू। तो ये क्लास परसेंटेज नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू पर आइटम। यस, तो बोलो क्लास में क्या लिखो? ए बी एंड सी एंड चलो उसका टोटल। मेरे ख्याल से ये टेबल आपने कंप्लीट करना चाहिए अभी। शैल आई वेट फॉर योर आंसर? शैल आई वेट फॉर योर आंसर? चलो करो कंप्लीट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू पर आइटम,
10, 20, 70. Whether total is 100. Number of items का total कितना है बच्चों? 6000. तो 6000 का 10%. Is it 600? 6000 का 20%. Is it 1200? 6000 का 20%. Is it 4200? ये समझा के बता सबको. Percentage of total value. 70, 20, 10. ऐसा दिया हुआ है obviously question में. बराबर ना बच्चों? तो बोलो एंड टोटल वैल्यू 12 लाख है ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन में तो 12 लाख का 70% 8,40,000 ऑब्वियसली ये डेटा रुपीस में है बराबर ना यस और नो देन 12 लाख का 20% 2,40,000 एंड 12 लाख का 10% 1,20,000 एंड गेट द आंसर x / y 8,40,000 / 600 कितना आता है एवरेज वैल्यू पर आइटम कितना 1400 Then B category में average value per item 200 and last 28.57 ऐसा कुछ है 28.57 तो obviously category C में average value per item कम दिखेगा आपको ये समझा क्या बताओ मेरे भाई इसके नीचे जो जगह बचती है बाद में कभी भी कोई theory question जो भी कुछ है इस पे लिखा करो आप ऐसे बात समझता है कि आपको ये कोई formula revision के लिए ये book आप पूरा समझ रहे क्या बार बार revise करने को ऐसा नहीं है कि इसमें से ही एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बट इसके बाहर का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं yes. तो ये समझा बच्चों एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है नीचे एबीसी एनालिसिस पे ध्यान दे रहे हो क्या चलो ये समझा गया मुझे बताओ और एक क्वेश्चन मैं दू क्या यहां पे आप सॉल्व करोगे बच्चों चलो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर टू ऑन एबीसी एनालिसिस पे एक बेसिक क्वेश्चन देता हूं चलेगा क्या ओके तो राइट डाउन समझो है क्लास ए बी एंड सी ध्यान दे रहे बच्चों क्लास ए बी एंड सी एंड समझो दिया हुआ है एवरेज वैल्यू पर आइटम एवरेज वैल्यू पर आइटम है लेट से ए कैटेगरी में 1000 बी में है 500 सी में है 200 एवरेज वैल्यू पर आइटम रुपीस ध्यान दे रहे बच्चों उसके बाद में यहां पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल है 5000 टोटल कितना है बच्चों 5000 ध्यान दे रहे हो क्या एंड समझो ए कैटेगरी में नंबर ऑफ आइटम्स है 25% बी कैटेगरी में है 20% एंड सी कैटेगरी में है 45% सी कैटेगरी में कितने आइटम्स है 45% समझ रहे क्या बच्चों या परसेंटेज ऐसा फिक्स तो नहीं रहते ना कुछ बच्चों नहीं ना ऐसा बोल सकते क्या ये 25% 20% ऐसा रह सकता है ना यस और नो या ये परसेंटेज एकदम फिक्स है ये 15% ये 20% ऐसा नहीं है ना कुछ समझा क्या अब मेरा क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज वैल्यू इन ईच कैटेगरी आप करोगे बच्चों कंप्लीट फाइंड परसेंटेज वैल्यू इन ईच कैटेगरी परसेंटेज वैल्यू इन ईच कैटेगरी शैल आई वेट फॉर योर आंसर फाइंड परसेंटेज वैल्यू इन ईच कैटेगरी इज माय क्वेश्चन बस प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन है बच्चों
परसेंटेज वैल्यू वैल्यू इन ईच कैटेगरी। जस्ट एक कैटेगरी में 25, इसको 30% कर दो, 30% कर दो। ऑब्वियसली वो टोटल 100% होना कंपलसरी है। कर रहे हो सॉल्व? तो दिस क्लास एवरेज वैल्यू पर आइटम, एवरेज वैल्यू पर आइटम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स से मल्टीप्लाई करके वी कैन गेट टोटल वैल्यू, यस और नो? एंड टोटल वैल्यू आने के बाद वी कैन गेट परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। चलेगा बच्चों? चलो, तो ये क्लास है ए B and C। ठीक है बच्चों, बोलो एवरेज वैल्यू पर आइटम कितना है, आप मुझे बताओ। 1500 200 इज एवरेज वैल्यू पर आइटम। परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स कितना है बोलो? 25%, 30%, 45%। ऑब्वियसली टोटल इज 100%। नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल कितना है? 5000 है ना बच्चों टोटल? 5000। तो अब बताइए 5000 का 25% कितना था? इज इट 1250? इज इट 1250? हाँ चलो 1250। हाँ देन 1500, देन 2250। टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा? एवरेज वैल्यू इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल वैल्यू बोलो कितना था? 1250000, देन 750000, 450000। टोटल कितना रहे? 2450000। सही है क्या? तो बोलो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा बताओ। पहले 1250000 डिवाइडेड बाय 2450000 इंटू 100, आंसर 51. कुछ नहीं एग्जैक्ट क्या? 51.02%। इज इट 51.02%? नेक्स्ट 750000 डिवाइड बाय 2450000 बराबर है ना, इंटू 100, आंसर कितना आता है? 30.61% अप्रोक्सीमेटली। एंड 450000 डिवाइडेड बाय 2450000 इंटू 100, आंसर इज 18.367 है, तो 37 करे तो अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली इसका टोटल विल कम 100%। तो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू 51.02%, 30.61% एंड 18.37%, इतना आ रहा है क्या बच्चों? देखो ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जो चल रहा है बस, अब उसमें कोई डाउट, इसमें बैकलॉग मत छोड़ो कुछ, समझ रहा है क्या भाई? इतना हुआ है ये अपने को पूरा आता है सब कुछ, बाकी और भी सब्जेक्ट है ना अपने को, है या नहीं? चलो ये हो गया क्या बच्चों? फिर तो ये एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन जम जाएंगे क्या आपको, या फुल डिप्रेशन आएगा इसमें? नहीं ना, ओके। चलो फिर, हमने उस दिन कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे आप, याद रहेगा आपको, जहां पे मैंने आपको सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर पूरा डिटेल में बताया था। सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर याद है क्या आपको? याद नहीं तो देखो ये वापस, ये पूरा मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था कि नहीं? स्टोर डिपार्टमेंट बराबर है, कौन सा नोट कौन कहां पे भेजता है सब याद है क्या आपको? अच्छा मुझे बताओ,
मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वो स्टोर लेजर में आएगा क्या? स्टोर लेजर समझ सकते क्या होता है? स्टोर लेजर, डेट, पर्टिकुलर्स, रिसीट, इश्यू बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, वो स्टोर लेजर होता है ना। तो मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट स्टोर लेजर में आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को भेज दिया, इट इज नाइदर अ रिसीट नॉर एन इश्यू फॉर स्टोर। तो जैसे हम लोग इश्यू, जैसे हम एकदम शुरुआत में चैप्टर की बताया था मैंने कि प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो ये इश्यू में एंड स्टोरेज में प्रॉपर हमारे पास कंट्रोल रहने के लिए हम दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसका नाम है एक का बिन कार्ड एंड दूसरे का स्टोर लेजर कार्ड। पहला क्या? बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर कार्ड। देखो बच्चों, कंपनी का स्टोर लेजर कार्ड एक नहीं होता है, हर रॉ मटेरियल के लिए उसका कार्ड अलग रहता है। समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे अगर तुम्हारे पास 5000 टाइप के रॉ मटेरियल है तो तुम्हारे पास 5000 कार्ड रहेंगे ना मेरे भाई। समझता है? अरे जो स्टोर लेजर में बता रहा है कि भाई 50 आइटम्स रिमेनिंग है, तो बट 50 आइटम किसके? हर एक रॉ मटेरियल के अलग अलग रहेंगे ना। वो तो रॉ मटेरियल ए का 50 का स्टॉक है, रॉ मटेरियल बी का 115 का स्टॉक है, रॉ मटेरियल सी का 225 का स्टॉक है, क्वाइट पॉसिबल और नॉट। तो तुम्हारे पास दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बहुत, और वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पहला कौन सा बोलो? बिन कार्ड। कौन सा बोलो? बिन कार्ड। एंड दूसरा स्टोर लेजर कार्ड। तो इसका डिफरेंस भी अपने को पता होना चाहिए। चलो फिर लिखो, बिन कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड, इसमें से पॉइंट ऑफ डिफरेंस बताओ मुझे। मेनली बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर कार्ड, इसका अगर कोई आपको डिफरेंस पूछता है तो आप क्या लिखोगे? बिन कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड, बोलो मेरे भाई। यस, बिन कार्ड इज इट इज अ स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट। इट इज अ बोलो स्टोर रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, वेर एज स्टोर लेजर कार्ड इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इट इज एन बोलो अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अच्छा आप मुझे बताओ, बिन कार्ड का फॉर्मेट क्या रहता है? याद है क्या आपको कुछ? बिन कार्ड में पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर रिसीट, इश्यू बैलेंस, इतना ही रहता है। रिसीट क्वांटिटी मतलब 100 यूनिट्स आए, समझा या नहीं? समझो ऑलरेडी तुम्हारे पास 250 का बैलेंस है, 100 आया, स्टॉक कितना? 350, 350 में से 200 गया, बचा कितना? 150, और 300 आया, बचा कितना? 450। समझ रहा है क्या? मतलब क्वांटिटी कितना आया, कितना गया और कितना बैलेंस है। मतलब उसमें रेट अमाउंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रेट अमाउंट नहीं होता, इट इज ओनली अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। लिखो, इट इज ओनली अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। समझ आएगी आपको ये? जबकि स्टोर लेजर क्या है बोलो? क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल। उससे अपने को देखो, बिन कार्ड आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि भाई 100 रॉ मटेरियल का 25 यूनिट बाकी है, 100 रॉ मटेरियल के 200 यूनिट बाकी है। बट वो 200 यूनिट का वैल्यू क्या है वो बिन कार्ड नहीं बता सकता, वो कौन बताएगा? स्टोर लेजर कार्ड। समझ आएगी आपको ये? तो बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, स्टोर लेजर कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बिन कार्ड इज अपडेटेड बाय स्टोर कीपर। कौन अपडेट करता है उसको बोलो? स्टोर कीपर अपडेट्स इट, स्टोर कीपर अपडेट्स। समझ आया क्या आपको ये? जबकि स्टोर लेजर कार्ड कौन अपडेट करता है बोलो? अकाउंटेंट। कौन करता है ये? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अपडेट्स स्टोर लेजर कार्ड। समझ आया क्या आपको ये? देन बिन कार्ड इज अपडेटेड एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। समझ आया क्या आपको ये? जबकि स्टोर लेजर इज अपडेटेड पीरियोडिकली। स्टोर लेजर कब अपडेट होता है बोलो? पीरियोडिकली। अब समझ रहे हो क्या बच्चों? स्टोर लेजर कब अपडेट होता है? पीरियोडिकली। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? पीरियोडिकली मतलब आप जैसे अब अकाउंटेंट क्या समझो, रात को 2 बजे रॉ मटेरियल इशू हुआ है, वो जो स्टोर लेजर, जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो तो रिकॉर्ड करेगा ना मेरे भाई। रात को 2 बजे भी कंपनी चल रही है, प्रोडक्शन चल रहा है, कोई आया बोल रहा है भाई ये रॉ मटेरियल के 5 यूनिट दे दे, उसने GRN भेज दिया अकॉर्डिंगली, गुड्स क्या भेज, सॉरी कौन सा मटेरियल रिक्वेशन नोट भेज दिया अकॉर्डिंगली। तो आप बताओ उसको हम इशू करेंगे रात को 2 बजे भी इशू करेंगे ना। अब रात को 2 बजे के अकाउंटेंट एंट्री करने वाला है स्टोर लेजर कार्ड में, स्टोर लेजर कार्ड विल बी मेंटेन्ड बोलो पीरियोडिकली, विल बी अपडेटेड पीरियोडिकली। अब पीरियोडिकली मतलब वो क्या है वो तो आजकल देखा जाएगा, आजकल कैसे सब कुछ कंप्यूटराइज होता है, इसकी वजह से सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ये पॉसिबल है।
विद द हेल्प ऑफ ईआरपी सैप, आपने सुना रहेगा कभी, आप समझ रहे हो क्या? बट हम लोग जो है वो बेसिक सीख रहे हैं। अरे अंडरस्टैंडिंग, अपडेट कौन करता है उसको? बोलो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कौन अपडेट करता है उसको? कॉस्ट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, समझता है? जबकि बिन कार्ड इज अपडेटेड बाय स्टोर कीपर, बिन कार्ड इज अपडेटेड बाय बोलो स्टोर कीपर, स्टोर कीपर अपडेट करता है, इधर अकाउंटेंट अपडेट करता है, ओके। एंड एक सिमिलैरिटी है दोनों में, बिन कार्ड इज अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ जीआरएनस एंड मटेरियल इक्वेशन नोट्स। किसके हिसाब से होता है बोलो? जीआरएन, जीआरएन से क्या पता चलता है? कितना रॉ मटेरियल आया, एंड मटेरियल इक्वेशन नोट से पता चलता है कि कितना रॉ मटेरियल इश्यू हुआ। किसको इश्यू होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू होता है। अरे स्टोर किसको इश्यू करता है? कस्टमर को देता है क्या? ये रॉ मटेरियल मेरे भाई, ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं है तुम्हारा, समझता है ना? तो रॉ मटेरियल कहां इश्यू होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो जीआरएन एंड मटेरियल इक्वेशन नोट्स, दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर कार्ड ऑल्सो, फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोलो स्टोर लेजर कार्ड ऑल्सो। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स, ओके। तो चलो ये स्टोर लेजर कार्ड कैसे बनाते हैं उस पर अपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलेगा बच्चों, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर नोट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एटी लिमिटेड फर्निश्ड द फॉलो, ये लिखा क्या आपने डिफरेंस? जो भी है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मैंने पूरा लिखा नहीं है, समझ रहे हैं क्या? एग्जाम में सेंटेंस पूरा करने का बच्चों, समझता है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे मेरे भाई। एटी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2021, फॉर सितंबर 2021, ओके। एटी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजैक्शन फॉर सितंबर 2021, डेट पर्टिकुलर्स यूनिट्स, समझ रहे आपको ये? एंड क्या दिया हुआ है उधर? रेट पर यूनिट, क्या दिया हुआ है मेरे भाई? रेट पर यूनिट क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस, फिर क्या है बोलो? इश्यू, फिर रिसीट्स, फिर इश्यू, फिर रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या? किसको वापस किया? रिटर्न टू बी एंड कंपनी, मतलब परचेस को रिटर्न किया, मतलब अपने सप्लायर को ही वापस किया उसने, समझाया नहीं? उसके बाद बोलो इश्यूड वाय रिक्वेशन नंबर 108, फिर वापस रीइश्यू, फिर रिसीट फ्रॉम एम एंड कंपनी, मतलब एम एंड कंपनी अपना सप्लायर है, उसे रिसीट आया, फिर इश्यू, फिर रिसीव रिप्लेसमेंट फ्रॉम बी, जिसको हमने वापस दिया था उसने हमें वो रिप्लेस करके दे दिया, नया रॉ मटेरियल दे दिया, फिर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब मटेरियल कम अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर को वापस किया, समझता है क्या आपको ये? उसके बाद ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब 182 टू 187, मतलब एक डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने दूसरे को, या एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही एक जॉब से दूसरे जॉब को ट्रांसफर हुआ, ये दोनों से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये स्टोर के लिए ना रिसीट है ना इश्यू है। उसके उसके बाद इश्यू, फिर ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ट्रांसफर फ्रॉम क्या है बोलो? डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, ऐसे कर देना, डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, समझ रहा है क्या? कहां पे भी जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एंड लास्ट में क्या है? शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, राइट अबाउट स्टोर लेजर कार्ड, कौन से मेथड से बोलो? फीफो। एंड हाउ डू यू ट्रीट शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, तो स्टोर लेजर कार्ड कौन से मेथड से बनाना है अपने को? फीफो मेथड से। तो आप फॉर्मेट बना के रखोगे पहले, स्टोर लेजर कार्ड का फॉर्मेट बना दिया था क्या? क्या फॉर्मेट रहता है बताओ? डेट पर्टिकुलर्स, हाँ बोलो, रिसीट्स, इशू बैलेंस। एंड रिसीट, इशू, बैलेंस, ये तीन कॉलम को और तीन तीन पार्ट में डिवाइड करने का, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो बनाओ फॉर्मेट, क्या लिखो हेडिंग? स्टोर लेजर कार्ड फॉर फॉर क्या मंथ है क्या कुछ? फॉर सितंबर 2021। अच्छा, ये पूरे कंपनी का स्टोर लेजर कार्ड एक ही रहेगा या एक रॉ मटेरियल का है कोई? तो ऑब्वियसली कोई तो एक रॉ मटेरियल का है ना मेरे भाई, ऐसे कंपनी में हजार रॉ मटेरियल रहेंगे तो हजार कार्ड्स रहेंगे ना ऐसे। स्टोर लेजर कार्ड फॉर सितंबर 2021, पर्टिकुलर्स, या पहले डेट लिखो, ठीक है पहले डेट लिखो उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स,
डेट पॉलिग्रेस के बाद क्या आई लोगों रिसीट्स इशू एंड बैलेंस बराबर है बच्चों। एंड ये रिसीट इशू बैलेंस को तीन तीन पार्ट में डिवाइड करना है बराबर ना बच्चों है कि नहीं। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो डेट पर्टिकुलर्स रिसीट्स। अब देखो जनरली क्या रहता है, स्टूडेंट को क्वेश्चन बाद में रिवीजन करते होता है, ऐसे सॉल्व करने में बड़ा जान पे आता है, उसको लगता है कि मैं आंसर देख लेता हूं एंड यहीं पे प्रॉब्लम चालू होता है। समझ आया क्या? अपन हर क्वेश्चन ऐसा पढ़ के नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि अपन सॉल्व कर रहे तो ही अपने को उसका क्रक समझता है। बोलो रिसीट इश्यू बैलेंस में क्या क्या लिखो, बोलो क्वांटिटी रेट अमाउंट बराबर है बच्चों। कुछ कुछ लोगों क्या सादा फॉर्मेट तक याद नहीं आता एग्जाम में, फिर और फिर वो बोलते कि एग्जाम में ब्लैंक हो गया, ये हो गया। उसका रीजन ये है कि अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर जो है वो पढ़ते है कि नहीं। ये थोड़ी ऑडिट लॉ है मेरे भाई, ऑडिट लॉ थ्योरी हो गया याद नहीं आता, ये प्रैक्टिकल कहां से याद आने वाला है ना, फिर वहां पे सॉल्व करते हो है या नहीं। बोलो डेट पर्टिकुलर रिसीट इश्यू बैलेंस हो गया क्या? चलो एक काम करो, डेट जहां पे लिखा है उधर ऊपर लिख देना सितंबर 2021 चलेगा क्या? तो ताकि नीचे हम अपन सिर्फ डेट लिख देंगे फिर बाद में, चलेगा क्या? चलो सितंबर 21 में फर्स्ट सितंबर को शैल आई राइट इट एज ओपनिंग बैलेंस, शैल आई राइट इट एज ओपनिंग बैलेंस। बोलो फिर कितना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बताओ मेरे भाई 25 एट अ रेट ऑफ 5.50 कितना था ये 137.50 बराबर ना बच्चों। चलो बोलो आगे एक एक करके बताओगे क्या भाई, यहां तक आए क्या सब लोग? उसके बाद में फोर्थ को इशू हुआ, इशू मतलब कौन इशू करता है, कौन सा डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट किसको इशू करता है, ऑब्वियसली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एंड ये रिक्वेशन नंबर 85 किसने भेजा रहेगा, रिक्वेशन कौन भेजता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड वो रिक्वेशन उसने भेजा मतलब रिक्वायर, उसने अपने को रिक्वेस्ट किया मेरे भाई है कि नहीं, कि भाई मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए। और हम क्या करते हैं बिल ऑफ मटेरियल के साथ कंपेयर करते हैं याद है क्या, एंड अगर हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट जेन्युइन है तो वी सेंड दैट रॉ मटेरियल। कितना क्वांटिटी इशू हो रहा है बोलो 8 बराबर है ना, क्या रेट से इशू होगा बोलो 5.50 कितना था ये 44 बैलेंस कितना बोलो 17 एट अ रेट ऑफ 5.50 कितना था ये 93.50 चलो नेक्स्ट फोर्थ के बाद में नेक्स्ट डेट क्या है 6 को क्या आया बोलो रिसीट फ्रॉम बी एंड कंपनी, रिसीट्स फ्रॉम बोलो मेरे भाई बी एंड कंपनी। तो रिसीट आया मतलब क्या आया, अपने कंपनी में रॉ मटेरियल आ गया तो जीआरएन बन गया। जीआरएन का क्या फुल फॉर्म होता है, गुड्स रिसीव्ड नोट, क्या होता है गुड्स रिसीव्ड नोट। तो गुड्स रिसीव हो गए तो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट बनाता है जीआरएन, कौन बनाता है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट अलॉन्ग विथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, अलॉन्ग विथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो जीआरएन बन गया तो बोलो कितना रॉ मटेरियल आ गया मेरे भाई 50 एट अ रेट ऑफ 5.75 तो 50 × 5.75 कितना था 287.5। एंड आप बताओ बैलेंस का कॉलम कैसे लिखूं, 17 एट अ रेट ऑफ 5.50 93.50 एंड 50 एट अ रेट ऑफ 5.75 इज इट 287.50। ऐसा जरूरी है क्या अलग अलग लिखना या मर्ज करके भी लिख सकता हूं मैं, अलग अलग लिखना कंपलसरी है ये। मर्ज कहां कर सकते हैं, सिर्फ वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट में, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट में अमाउंट ऐड करते हैं, क्वांटिटी में क्वांटिटी, तो रेट जो आ जाता है दैट बिकम्स वेटेड एवरेज देन बराबर है। 6 का ट्रांजेक्शन हो गया, उसके बाद में 7 को इश्यू हुआ, कितना इश्यू मेरे भाई, रिक्वेशन नंबर बोलो 97 कितना क्वांटिटी इशू हुआ
12 एट ए रेट ऑफ 5.50. क्यों आपने 5.50 क्यों लिया, 5.75 क्यों नहीं, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो 12 इंटू 5.50 इज इट 66, तो कितना 5 इंटू 5.50 टेल मी इज इट 27.50 एंड 50 एट ए रेट ऑफ 5.75 इज इट 287.50. कौन सा मेथड चल रहा है बच्चों, फीफो या लिफो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये 7 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया. उसके बाद बताओ 10th को क्या है, बोलो रिटर्न टू बी एंड कंपनी, रिटर्न टू बोलो बी एंड कंपनी. कितना रिटर्न किया उसको, कितना रिटर्न किया, रिटर्न टू बी एंड कंपनी मतलब स्टोर से बाहर गया क्वांटिटी या स्टोर में आया, बाहर गया तो कहां लिखो, इश्यू में. ऐसा स्टोर से बाहर गया ना मेरे भाई, बताओ बी एंड कंपनी से हमने क्या रेट से लिया था बच्चों, 5.75. तो ये 5.75 ही होगा, समझता है कि आपको ये. बोलता नहीं सर आप फीफो से क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे भाई वो बी एंड एग्जैक्टली जो बी के जो जिस रेट से आया था उसी रेट से वापस दे गए ना हम लोग. तो बोलो बैलेंस क्या लिखो, बोलो 5 एट ए रेट ऑफ 5.50 27.50 एंड ये 50 की जगह क्या लिखो, 40 एट ए रेट ऑफ 5.75. आंसर 40 इंटू 5.75 230. कितने लोगों को समझाइए वो 40, 50 का 40 क्यों समझाएगी आपको ये. चलो रिटर्न टू बी एंड कंपनी हो गया 10 तारीख के बाद में. हाँ बोलो 12th को इश्यू रिक्वेशन नंबर 108. हाँ बोलो कितना इश्यू हुआ, 15. तो बोलो कैसे इश्यू होगा 15, 5 एट ए रेट ऑफ 5.50 एंड 10 एट ए रेट ऑफ 5.75 दैट इज 57.50. तो बैलेंस 30 एट ए रेट ऑफ 5.75 तो बोलो 30 एट ए रेट ऑफ 5.75 कितना है, बोलो भाई 172.50. डू यू एग्री, ये होगा 12th. उसके बाद में 13th को इश्यू हो रहा है. हाँ बोलो 13th को इश्यू कितना है, रिक्वेशन 110 है क्या, क्वांटिटी कितना इशू हो रहा है बताओ, 20. तो 20 एट ए रेट ऑफ 5.75 कितना था ये, 115 क्या, एंड बैलेंस क्या बोलो, 10 एट ए रेट ऑफ 5.75 इज इट 57.50. तो ये 13th को इश्यू हो गया मेरे भाई. उसके बाद बोलो 15th को क्या है, बोलो रिसीट फ्रॉम एम एंड कंपनी. तो एम एंड कंपनी कौन है, सप्लायर है, तो जीआरएन बना रहेगा. जीआरएन नंबर दिया है क्या, क्या जीआरएन नंबर है, 33. कितना रिसीट हुआ बच्चों, 25 एट ए रेट ऑफ 6.10. तो कितना था, 152.50 ना. तो बोलो बैलेंस बताओ, 10 एट ए रेट ऑफ 5.75 57.50 एंड 25 एट ए रेट ऑफ 6.10 इज इट 152.50. सही है क्या मेरे भाई. चलो ये हुआ 15 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड. उसके बाद 17 को क्या है, परचेस है या इशू है, इशू. तो रिक्वेशन नंबर दिया है क्या आपको, कितना बोलो, 121. कितना इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है, 10 एट ए रेट ऑफ 5.75. क्यू 5.75, फीफो इसलिए, 57.50. बैलेंस कितना है बोलो, 25 एट ए रेट ऑफ 6.10 इज इट 152.50 चलो बता बच्चों, ये इशू तक यहां तक पहुंच गए हम लोग. उसके बाद क्या करें अभी, बोलो 17 तक पहुंचे ना हम लोग. आगे बताओ, रिसीव्ड रिप्लेसमेंट करो, करो आप कंप्लीट करो, करो ना भाई. कौन सी डेट तक पहुंचे अभी तक,
बोलो 17th के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 19th को क्या है बोलो रिसीट फ्रॉम बोलो फ्रॉम बी एंड कंपनी फ्रॉम बी एंड कंपनी कितना रिसीट हुआ बोलो 10 एट अ रेट ऑफ 5.75 क्यों लिया आपने बच्चों पहले उसी रेट से वापस दिया था अच्छा कुछ नहीं दिया कुछ नया रेट दिया रहता तो वो ले लेते हम लोग कुछ दिया नहीं तो फिर पहले से चल रहा है वही रेट आएगा ना फिर यहां पे तो बोलो इज इट 25 × 6.10 इज इट 152.50 एंड ये जो रिसीट आया ये बाद में लिखू इसके नीचे लिखू या पहले लिखू बाद में स्टोर में तो अब वापस ही आया ना ये यस और नो मतलब एज वेल एज स्टोर के लिए ये फ्रेश स्टॉक है ना मेरे भाई 19th को आ गया हाँ उसके बाद 19th का ट्रांजेक्शन हो गया उसके बाद 20 मटेरियल रिटर्न्ड मटेरियल बोलो रिटर्न मटेरियल रिटर्न का नंबर दिया गया कुछ नहीं मटेरियल रिटर्न्ड बराबर है ना रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट कितना रिटर्न किया बोलो 5 मतलब स्टोर के लिए क्या है स्टोर के लिए क्या है रिसीट है समझा या नहीं तो ये 5 रिसीट आया बट अब इसका रेट क्या है ओके तो मटेरियल रिटर्न लिखा था ना बच्चों एक काम करो उधर ब्रैकेट में लिखो लिखो आप रिक्विशन 121 क्या लिख रहे बोलो रिक्विशन 121 ऐसे लिखो आप मतलब ये जो आया ये क्या रेट से इश्यू हुआ था 5.75 तो ये वापस दिया उसने आपने लिखा क्या ब्रैकेट में 121 तो 5.75 समझा क्या आपको ये हम तो बोलो क्या है 5 × 5.75 कितना था 28.75 तो आप बताओ बैलेंस बताओ मुझे बोलो मटेरियल से मटेरियल रिटर्न किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर को रिटर्न किया तो स्टोर में आया नहीं स्टोर में रिसीट हुआ है एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया तो यहां पे नहीं आएगा समझ रहा है क्या क्या है उधर लिखो रिटर्न्ड मटेरियल रिटर्न्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट समझ रहा है ना वो पैकेट में जो लिखा है मटेरियल वो एक्चुअली वो मटेरियल रिक्वेशन नोट 121 ऐसा है समझ रहा है कि आपको ये तो मटेरियल रिक्वेशन नोट 121 से जो इश्यू हुआ था वो वापस आया समझ रहा है क्या तो बताओ बैलेंस कितना है जल्दी बताओ 25 एट अ रेट ऑफ 6.10 इज इट 152.50 एंड उसके बाद बताओ 15 एट अ रेट ऑफ 5.75 चलता है क्या ऐसे चलता है क्योंकि 10 एट अ रेट ऑफ 5.75 एंड उसके बाद 5 एट अ रेट ऑफ 5.75 ये रेट सेम है तो एक ही हुआ वो बोलो कितना था ये 86.25 चलो 20 हो गया उसके बाद 22 यहां पे आने वाला है क्या नहीं 26 आने वाला है क्या यस 26 क्या है बोलो इशू क्या रिक्वेशन नंबर रिक्वेशन नंबर 146 कितना इशू हो रहा है 10 क्या रेट से इशू होगा 6.10 इज इट 61 बैलेंस बताओ 15 एट अ रेट ऑफ 6.10 इज इट 152.50 एंड 15 एट अ रेट ऑफ 6.10 बोलो आंसर 91.50 एंड 15 एट अ रेट ऑफ 5.75 इज इट 86.25 योगा 29 का ट्रांजेक्शन आने वाला है इधर नहीं क्यों रिटर्न ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर एंड 30th को क्या हो रहा है बोलो वहां पे शॉर्टेज कितना शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग है बराबर है बच्चों चलो आप बताओ शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग का ट्रीटमेंट क्या है इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है बच्चों शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग के अंदर एक कंसेप्ट छुपा हुआ है वो क्या कंसेप्ट है बताओ मुझे अब बताओ तुम्हारे रॉ मटेरियल के हिसाब से 15 + 15 मतलब 30 यूनिट होना चाहिए अब सुनो ध्यान से आपको शायद पता रहेगा कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है किसका पार्ट है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स एंड वो शायद याद रहेगा आपको प्रिपरेशन ऑफ बिन कार्ड्स प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर कार्ड्स प्रिपरेशन ऑफ क्या बोलो स्टोर लेजर कार्ड्स एंड तीसरा है फिजिकल स्टॉक टेकिंग कौन सा बोलो फिजिकल स्टॉक टेकिंग जैसे मंथली फोर्टनाइटली कुछ ना कुछ कोई तो आके फिजिकल स्टॉक टेक
करेगा। जैसे आप कल जाके सीए इंटर पास होके आर्टिकलशिप करोगे तो आप हो सकता है कि कभी स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, मतलब कंपनी के समझ रहा है कि एसेट रजिस्टर में या स्टोर लेजर में जो मटेरियल दिख रहा है, जो एसेट दिख रहा है, वो रियलिटी में भी वहां पे होना चाहिए ना, यस और नो? वो चेकिंग कोई ना किसी को तो करना पड़ेगा ना यार, आप समझते हो क्या मेरे भाई? ये होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का पार्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे अभी देखो छोटे मोटे फॉर्म्स में ये फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप सुनो ध्यान से, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, आप समझते हो अभी थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह समझते हो, ओके सुन रहे हो क्या? थोड़ी दिनों पहले मेरे घर पे एक मैंने म्यूजिक सिस्टम लिया बोस का, एक कौन सा बोस का, एक्चुअली उसका पार्ट, उसका कॉस्ट है 4 लाख रुपए, कितना? एंड उसमें 28% जीएसटी, कितना? 28% जीएसटी। तो 4 लाख का 28% कितना होता है? 1,12,000। तो मैंने 5,12,000 पे किया ना उधर, यस और नो? तो आप बताओ, मैंने उसको उसे बिल बनाते वक्त बोला कि भाई बिल विनोद एडी नाम से मत बना, बिल परसेप्ट के नाम से बना, फॉर्म के नाम से बना। तो क्यों बना आप? इतना तो टैक्स समझते हो आप अभी, तो मैंने आईटीसी इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। बट आप बताओ, अगर मैं वो घर पे यूज कर रहा हूं तो वैसे तो क्लेम कर ही नहीं सकता मैं, वो बिजनेस पर्पज के लिए रहा तो ही मैं क्लेम कर सकता हूं। तो आप बताओ बच्चों, वो तो मेरे घर पे सिस्टम, बट मेरे बैलेंस शीट में भी है ना, समझा है नहीं? बट ये तो प्रोप्राइटरी फर्म है, मैं ऑडिटर, मतलब क्या मेरे दोस्त ये, वो कौन सा क्वेरी रेज करने वाला है, समझता है कि आपको ये? बट यही अगर मुझे बताओ टाटा मोटर्स में कर सकते हैं क्या? टाटा मोटर्स में सीधी सी बात है, जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर बोलेगा कि भाई तुम्हारे ये जो भी दिख रहा है वो फिजिकली मुझे देखना है कहां पे है, जरूरी है ना मेरे भाई? तो जैसे एसेट का चेक वेरिफिकेशन होता है, वैसे स्टॉक का भी वेरिफिकेशन होता है ना, तो स्टॉक का जो वेरिफिकेशन हुआ तो 30 आइटम्स ऑफ दिस रॉ मटेरियल होना चाहिए था कि नहीं, फिजिकली काउंट किया तो उधर 28 ही निकले, कितना निकला 28, कितना शॉर्टेज है बोलो, 2 का, यस और नो? तो अब सवाल यह है कि ये जो शॉर्टेज निकला उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा? तो ये ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इज डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर शॉर्टेज, इज डिपेंडेंट ऑन रीजन फॉर शॉर्टेज। तो रीजन ऑफ शॉर्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, नॉर्मल रीजन, अब नॉर्मल रीजन, समझ आएगी आपको ये? तो अगर ये नॉर्मल रीजन है, क्या है? नॉर्मल रीजन है, तो शॉर्टेज जो होता है स्टॉक टेकिंग का, इट विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, समझ आएगी आपको ये? या फैक्ट्री ओवरहेड्स पे, या बचे हुए आइटम्स का जो है वो कॉस्ट बढ़ा दो, बचे हुए आइटम्स का कॉस्ट बढ़ा दो, आप समझ रहे हो क्या? या तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट करो, दोनों में से एक हो सकता है, या एंड अगर ये अबनॉर्मल रहेगा तो इट शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल, इट शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो तुम्हारे पास 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट है बच्चों, ओके? तो ये क्या करो आप यहां पे, मुझे बताओ 15 × 6.10 था कि नहीं, 15 × क्या था बोलो, 6.10 था कि नहीं? तो अब ऐसा एक हो सकता है, सुन रहे हो क्या, एक मिनट, ऐसा हो सकता है कि इसको 13 कर दो एंड उसका रेट 91.50 कर दो, मतलब टोटल 91.50 रहेगा, मतलब जो 15 आइटम का कॉस्ट है वो 13 आइटम्स ही बेयर करेंगे, मतलब बचे हुए 13 आइटम्स का कॉस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं, यस, मतलब रिमेनिंग गुड यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ गया, राइट? इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं हम लोग, या ऐसा ट्रीट कर दो, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग जो है ये हम ऐसे मानेंगे कि ये जो 2 × 6.10 मतलब 12.20 दिस विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, दिस विल बी डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट करो या बचे यूनिट्स का कॉस्ट बढ़ाओ, अल्टीमेटली इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट अगर तुमने कॉस्टिंग बेरो को डेबिट मार दिया तो इट डजंट बिकम द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी का प्रॉफिट कम करता है वो, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पीएनएल को जाके डेबिट हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो यहां पे हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नॉर्मल या अबनॉर्मल? नॉर्मल, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नॉर्मल, क्योंकि मैं डायरेक्टली इश्यू बोल के दिखा रहा हूं यहां पे, एंड आई एम डेबिटिंग दिस कॉस्ट टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेबिटिंग दिस टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहां पे मैं लिखता हूं शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेबिटेड टू बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स, समझा क्या? एंड अब बताओ बैलेंस कितना है, हाँ बोलो बैलेंस 13 और 15, ये 13 एट द रेट ऑफ 6.10 होगा एंड दिस 5.75, तो बोलो 13 × 6.10 कितना था, 79.30, सही है क्या मेरे भाई? एंड ये जो 12.20 बीच में था, इशू में मैंने लिखा था, वो कहां डेबिट हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, कहां डेबिट हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, बिकॉज वी अज्यूम दैट इट इज अ नॉर्मल लॉस, एंड अगर ये अबनॉर्मल लॉस होता तो कॉस्टिंग पेरोल को डेबिट होता, समझा क्या आपको ये? ओके, ये टोटल करके आप क्लोजिंग स्टॉक चाहो तो लिख सकते हो,
टोटल करोगे खुद तुम, करेंगे कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऐसे दिख ही रहा है आपको, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग इज एज्यूम्ड टू बी अ बोलो नॉर्मल लॉस. शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग इज एज्यूम टू बी अ नॉर्मल लॉस, हेंस डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. हेंस हमने क्या ट्रीटमेंट दिया बोलो? डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, हेंस डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग इज एज्यूम टू बी अ नॉर्मल लॉस, हेंस डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. समस्या हो चुके, शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग इज एज्यूम टू बी अ नॉर्मल लॉस, हेंस डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब हो इसमें कंफर्टेबल अभी? पक्का बच्चों? ओके, मैं एक होम एक्सरसाइज दे रहा हूं, नो डाउट थोड़ा सा हेवी रहेगा, बट इसके प्रीवियस, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, इसके पहले का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिख रहा है क्या आपको ये? जहां पे मैंने, जहां ये नॉ रूटीन क्वेश्चन है, समझ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्टोर लेजर कार्ड बना के लेके आना है कल, समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? कितने मेथड से वहां पे पूछा है बताओ? स्टोर लेजर कार्ड कौन सा पूछा है? फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, एंड एक काम करो उसमें डी एड करो और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में. ये तुम्हारा होम एक्सरसाइज है, मैं कल आंसर चेक करूंगा बच्चों, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? एंड डी एक लिखो और वेटेड एवरेज, क्या लिख रहे हो? वेटेड एवरेज ब्रैकेट में लिखो एट द एंड ऑफ द मंथ. याद है क्या आपको ये भी मेथड? एट द एंड ऑफ मंथ. गलती होती है कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, बट गलती करोगे तो बाद में कल यहां पर जब समझेगा ना तब तो बाद में आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये चारों मेथड से स्टोर लेजर बना के लाओगे क्या कल? पक्का बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट आंसर चेक करूंगा फिर, समझ रहा है क्या? यहां पे सफिशियंट स्पेस छोड़ा हुआ है, चारों मेथड से स्टोर लेजर बना के आना है आपको. कितने मेथड से? चारों मेथड से स्टोर लेजर कार्ड आप बना के लाओगे, चलेगा बच्चों? यस ओके. चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, देखो आता है क्या बेटा? रील चेक कर रहे हो क्या? नहीं फोटो ले, ये यूट्यूब पे बेटा लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई. आप समझो ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है उस एंगल से पढ़ना है, मैं सॉल्व करने वाला हूं ये एंगल मत रखो. फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई ऑकर ड्यूरिंग 6 मंथ्स एंडेड 30th June 2021. Following transactions in respect of material Y occurred during 6 months ended 30th June 2021. Purchase दिया हुआ है हर महीने का बराबर है ना? Purchase का price दिया हुआ है, issue का quantity दिया हुआ है. The chief accountant argues that value of closing stock remains same, no matter method of pricing of material issue is used. Do you agree? Why or why not? Details store ledger are not required. मतलब store ledger draw करो बोल रहा है, मत करो बोल रहा है, मत करो. When and why we should recommend LIFO of pricing material issue? चलो दो answer. Yes. क्या question समझा गया सबको? क्या बोल रहा है ये company का chief accountant? क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई closing stock का value remains same. कोई भी method use करो, FIFO, LIFO, weighted average. Closing stock का quantity remains same, मैं agree करता हूँ. But closing stock value remains same. क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी तुम कुछ भी करो सेम ही रहने वाला है, बराबर है ना? अरे 200 आइटम बचे हैं तो लीफो से भी 200 ही बचते, फीफो से भी 200 बचते, पर उसका पर यूनिट कॉस्ट तो अलग अलग रह सकता है ना?
ये चीफ अकाउंटेंट बोल रहा है कि कोई भी मेथड यूज करो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रिमेन सेम। तो ये चीफ अकाउंटेंट सही है या गलत है, बोलो सही है, कैसे सही है? तो इस केस में वो करेक्ट है, वेर एज वो उसका स्टेटमेंट इन जनरल करेक्ट नहीं है, रॉन्ग ही है, बराबर है कि नहीं? बट इस क्वेश्चन में वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बताता हूं मैं, ओके? आप सुन रहे हो क्या बच्चों? मुझे बताओ, उसने जनवरी में ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, जनवरी में कितना बाय किया? 200। तो कैल्सी पे ले लो, चलो 200 ले लो प्लीज, 200 माइनस 0, इशू तो 0 हुआ, तो अगले फरवरी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200 प्लस 300 करो, परचेस किया माइनस 250, इशू किया प्लस 425, मार्च में परचेस किया माइनस 300, मार्च में इशू किया प्लस 475, अप्रैल का परचेस किया माइनस 550, अप्रैल का इशू किया प्लस 500, मई का परचेस हुआ माइनस 800, मई का इशू हुआ, कितना आया बैलेंस? 0। तो मई एंड में बैलेंस 0 है बच्चों, नहीं समझा आपको ये? तो मैं, आप मुझे बताओ, तो लीफो से जाओ, फीफो से जाओ, कोई भी मेथड से जाओ, मई का क्लोजिंग स्टॉक 0 है एंड जून में एक ही परचेस है, इसका मतलब 600 बाय किया एट द रेट ऑफ 20 जून में एंड उसमें से 400 इशू किए गए, तो जो भी 200 बचे उसका वैल्यूएशन 200 × BC होगा। तुम्हारा मेथड फीफो रहने दो, लीफो रहने दो, वेटेड एवरेज रहने दो, मतलब क्या ना, वट एवर द क्लोजिंग स्टॉक इज एट द एंड ऑफ जून इज ओनली आउट ऑफ परचेसेस मेड इन जून, इज ओनली आउट ऑफ परचेसेस मेड इन जून बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मे इज 0, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मे इज 0, समझ में आ रहा है क्या? हाउएवर दिस वट एवर द चीफ अकाउंटेंट सेइंग इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, बट इन दिस केस चीफ अकाउंटेंट इज करेक्ट, इन दिस केस चीफ अकाउंटेंट इज करेक्ट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देते, द स्टेटमेंट ऑफ चीफ अकाउंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ चीफ अकाउंटेंट क्या स्टेटमेंट है? हां बोलो, लिखो इन ऑर्डर को मैं लिखता हूं, बोलो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर बोलो विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ material issues is used, समझ रहा है क्या बच्चों? Value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issue is used, okay, is wrong in general, in बोलो general, तो यह statement wrong ही है in general, समझाया नहीं? क्यों रॉन्ग है ये? क्योंकि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग, एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चेंजेस, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट लाइन लिखो, हाउएवर इन दिस केस कॉमा ही इज करेक्ट, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? इन दिस केस ही इज करेक्ट एज बोलो टोटल purchases of first 5 months is equal to total issues of first 5 months. कितना है बोलो purchase का quantity first 5 months का? पहले 5 महीने का purchase का quantity 1900 है ना, is equal to 1900 units, do you agree? पहले 5 महीने का परचेस टोटल, पहले 5 महीने का इशू सेम है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसका मतलब मई का क्लोजिंग बैलेंस 0 आएगा। आप करो ना यार, पहले 5 महीने का परचेस का टोटल करो, क्वांटिटी का 200 प्लस 300 प्लस 425 प्लस 475 प्लस 500 इधर है 1900, पहले 5 महीने का इशू का भी टोटल 1900 है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये क्या सिग्निफाई करता है?
अरे तुम कोई भी मेथड यूज करो, मे का क्लोजिंग स्टॉक तो जीरो रहेगा ना। तुम अभी तक फीफो यूज करो, लीफो यूज करो, कुछ भी करो, मे का क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा? जीरो। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मे इज, बोलो, जीरो यूनिट्स, यस और नो? देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून इज ओनली आउट ऑफ, इज ओनली आउट ऑफ परचेसेस मेड इन जून, यस और नो? देयर इज ओनली वन परचेस इन जून एट अ रेट ऑफ, हाँ बोलो कितना, एट अ रेट ऑफ रुपीज 20 पर यूनिट। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून इज इक्वल टू, कितना रहेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जून, बोलो, 200 यूनिट्स इंटू रुपीज 20 पर यूनिट विच इज इक्वल टू रुपीज 4000। कोई भी मेथड यूज करो, क्लोजिंग स्टॉक तो 4000 ही रहेगा। समझ आया क्या? तो चीफ अकाउंटेंट हमेशा करेक्ट रहेगा इस स्टेटमेंट से, या इस केस में करेक्ट है? इस केस में वो करेक्ट है। समझाया नहीं? चलो, ये फर्स्ट का आंसर था। बट यहां पे और एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, देख रहे हो क्या आप? बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हेन एंड व्हाई वुड यू रिकमेंड लीफो फॉर प्राइजिंग द मटेरियल इशू? व्हेन एंड व्हाई विल यू रिकमेंड लीफो फॉर प्राइजिंग मटेरियल इशू? लीफो हम कब यूज करते, बोलो? When and why would you recommend LIFO in pricing material issue? हाँ बोलो, increasing price trends में। अच्छा logic पता है आप सबको? अच्छा समझो, price अभी raw material का price 20 है, बाद में 30 हो गया, 40, 50, 60, 65, जो भी है बढ़ रहा हो, तो बता अगर हम LIFO follow करेंगे last in first out, तो महंगा वाला material जो होगा वो price को issue, वो issue होगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि महंगा वाला इशू होगा, मतलब वो सिर्फ अकाउंटेंट जो होता है ना, वो जो इशू हो रहा है उसको रेट लेटेस्ट लगाएगा। क्वांटिटी जो रहता है वो कभी भी मिक्स ही रहता है। समझता है क्या? हम लोग कोई अलग अलग रैक में नहीं रखते कि ये 10 का, ये 20 रुपए में बाय किया था, ये 30 रुपए में बाय किया था। फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स रहता है, फिजिकली पूरा स्टॉक मिक्स रहता है। समझता है ना आपको, यस और नो? तो आप बताओ, जो भी मैं इशू कर रहा हूं वो लेटेस्ट रेट से रहेंगे कि नहीं? एंड जो स्टॉक में रहेगा वो कम प्राइस वाला रहेगा, वो क्या रहेगा? कम प्राइस वाला रहेगा। एंड हम यही चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम से कम रहे। इवन तुम्हारा जो कंजर्वेटिव या प्रोडेंस प्रिंसिपल अकाउंट्स का, वो भी तो यही सजेस्ट करता है ना। यस, कंसेप्ट ऑफ प्रोडेंस यही बोलता है ना आपको, क्या बोलता है? हाँ बोलो, स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, बोलो, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो राइट, इट गोज विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू और नॉट, यस और नो? तो आप बताओ स्टॉक का वैल्यू क्या होना चाहिए इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड, इशू का मेथड कौन सा होना चाहिए? बोलो लीफो, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे, तो महंगा वाला, बोलो, इशू होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। एंड जो कम कॉस्ट वाला है वो स्टॉक में रहना चाहिए, करेक्ट है? बट अगर डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड रहा तो कौन सा रिकमेंडेड है? फीफो। डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड में कौन सा मेथड रिकमेंडेड है? फीफो। आप समझते हो क्या बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, कई बार ना, जैसे आप स्टॉक में वगैरह डील करते हो क्या? मुझे बताओ, आपने समझो शेयर्स बाय किए, एंड जब आप सेल कर रहे हो, तब आप समझो आपने पास, आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर्स है, जो आपने अलग अलग रेट से बाय किए हुए। कुछ शेयर मान लो आपने 2800 के रेट से बाय किया है, बाद में 3000 से बाय किया हुआ है, 3200 से कुछ क्वांटिटी बाय किया है, एंड समझो आपने पर्टिकुलर, अभी आपके पास 100 शेयर्स है और आपने 30 बेच दिए, तो कौन सी 30 लेता है वो? कौन सी भी लेता है क्या? अब आप लोग ऐसे, बट कौन से बेचे उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो आज जो प्राइस चल रहा है उसी रेट से, बट कौन से 30 बेचे, इससे तुम्हारा कैपिटल गेन अफेक्ट होता है ना? नहीं समझा आपने? क्योंकि आपने 2800 में बाय किया था, 3000 में बाय किया था, 3200 में भी बाय किया था, आपने बेचा 3800 में, तो 2800 वाला उसने बेच दिया तो 1000 रुपए का कैपिटल गेन है, 3000 वाला बेच दिया तो 800 का ही कैपिटल गेन है, 3200 वाला बेच दिया तो 600 का ही कैपिटल गेन है। ऊपर से इसमें कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, पहले जो बाय किया वो एक साल हो चुका है, जो लेटेस्ट बाय किया वो 3 महीने पहले है। तो बताओ, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो तुम्हारा डीमैट अकाउंट कौन से शेयर उठाता है? जो पहले बाय किए हुए, फीफो उठाता है। बाय डिफॉल्ट वो कौन सा मेथड यूज करता है? फीफो। समझ रहा है क्या? जो पहले बाय किया वो पहले आउट होता है। समझता है क्या? तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट भी अफेक्ट होता है ना मेरे भाई,
अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, तो आप बताओ यहां पे कंपनी में क्या करना है, वो तो कोई गवर्नमेंट नहीं बताएगा ना अपने को, ये तो अपनी पॉलिसी होगी ना मेरे भाई। यस और नो, मेरे कंपनी में लिफो यूज करना है फिफो यूज करना है, ये मैं देखो बाद में फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या करना है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल रह सकता है, क्योंकि उससे इनकम टैक्स अफेक्ट होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए मेनली। यस और नो, समझ रहा है कि आपको एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सामने भी प्रेजेंट करना रहता है। गवर्नमेंट बोलता है, आईसीआई बोलता है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? बट यहाँ पे इट इज मेनली फॉर माय डिसीजन मेकिंग ना माय फ्रेंड्स। तो आप बताओ क्या रिकमेंडेड है, आप बताओ। अगर समझो इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड रहा तो क्या रिकमेंडेड है? लिफो। डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड में फीफो। समझ आएगी आपको ये? बट अगर समझो प्राइस ट्रेंड ऐसा है कि अपने को समझ ही नहीं रहा है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इतने फ्लक्चुएशन है, समझ रहा है क्या? तो उस केस में वी शुड गो फॉर वेटेड एवरेज इन ऑर्डर टू स्मूदन द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, इन ऑर्डर टू स्मूदन द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। समझ आएगी आपको ये? तो आप बताओ इन केस ऑफ यानी लिखता हूं मैं रिकमेंडेड, क्या लिख रहा हूं रिकमेंडेड। तो बोलो इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड्स, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड्स बोलो क्या रिकमेंडेड है? इंक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड्स में क्या रिकमेंडेड है? लीफो। उन्होंने इतना ही पूछा था, अपन थोड़ा और डिटेल दे रहे, बराबर है ना? अब बताओ इन केस ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड्स, इन केस ऑफ डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड्स फीफो, एंड इन केस ऑफ बोलो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। कुछ समझ नहीं रहा है कि भाई क्या क्या प्राइस रहने वाले, तो कौन सा मेथड यूज होना चाहिए? वेटेड एवरेज। क्या यूज होना चाहिए इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसिंग, फ्लक्चुएटेड प्राइसेस में वी शुड यूज वेटेड एवरेज मेथड। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। जब भी प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, वी शुड यूज वेटेड एवरेज इन ऑर्डर टू स्मूदन द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, इन ऑर्डर टू स्मूदन द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये रिकमेंडेड मेथड है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट, टू लोअर द स्टॉक वैल्यू। बट वो कोई अपना एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझ रहे ना बच्चों? यस और नो? यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। समझाए कुछ थोड़ा बहुत ये? यस और नो? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दिए कि हम लोग, बताओ आप मुझे, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर दिए कि हम लोग? ओके, तो यहां पे राइट कुछ जहां पे भी कुछ आपको मुझे बताओ। ये क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद में थोड़ी जगह बची है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद जगह बची है ना, वहां पे मैं कुछ आगे की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। चलेगा बच्चों? चलेगा क्या? ओके चलो, आपको मालूम रहेगा कि इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या कंसेप्ट है? ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सब लोग अच्छे से ध्यान दो अभी। ओके, ध्यान दे रहे हो मेरे भाई? ओके, आप मुझे बताओ, लेट से ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों, अभी मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं बाद में, एक बार कंसेप्ट समझने के बाद। ओके, समझो यहां पे मैं ले रहा हूं ऑर्डर साइज, क्या ले रहा हूं, एंड यहां पे लेट से अमाउंट, क्या है बोलो? तो समझो ऑर्डर साइज मतलब मैं एक ऑर्डर में 1000 क्वांटिटी बाय करता हूं, एक ऑर्डर में 2000, एक ऑर्डर में 3000, 4000, 5000। समझ रहे कि आपको ये 1000 किलो, 2000 किलो, तो जितना मेरा ऑर्डर साइज ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर कम हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मेरे घर का समझो राइस का रिक्वायरमेंट साल भर का है 100 किलो, कितना? एंड मेरे पापा एट ए टाइम ही 100 किलो बाय करते हैं, मतलब ऑर्डर साइज 100 किलो है, मतलब एक ही ऑर्डर देता है ना साल भर में। बट समझो मेरे पापा ने पॉलिसी चेंज किया और वो बोल रहे कि भाई ऑर्डर साइज 100 किलो नहीं होगा, 50 किलो होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? दो। अगर उन्होंने बोला, मेरी मम्मी बोली, अरे यार वो 50 किलो एट ए टाइम मत लाओ यार, घर पे आने से ये सब बराबर है कि इतनी जगह जा रही है और क्या पूरा राइस पड़ा हुआ है उधर, समझ रहे कि नहीं? समझो पापा ने डिसाइड किया, ठीक है भाई एट ए टाइम 10 किलो बाय करते, तो साल भर में कितना बाय, 10-12 नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस होगा। तो आप बताओ यहां पे ऑर्डर साइज जैसे जैसे छोटा होगा नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होंगे, तो बताओ यहां पे ऑर्डर साइज ये है, तो आप बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा है, यस और नो? तो ऑर्डर साइज बढ़ गया तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? कम। तो आप बताओ ये जो नीचे 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 आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है बोलो? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा। नहीं समझा आपको? टोटल, अरे हर एक ऑर्डर का कॉस्ट है ना मेरे भाई, पूरा परचेस प्रोसीजर करो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन ऑर्डर, समझता है कि आपको ये?
यस और नो, बड़ा बताओ। जैसे जैसे तुम्हारा ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, ऑर्डर साइज बोलो बढ़ रहा है, तुम्हारा नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहा है, इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हुआ कि नहीं? बड़ा बताओ, जैसे जैसे तुम्हारा ऑर्डर साइज बढ़ रहा है, साथ साथ में एक चीज बढ़ रही है, और वो क्या है बोलो? कैरिंग कॉस्ट। क्या बढ़ रहा है? तो दिस इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्यों टोटल कैरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है बच्चों? अरे तुमने साल भर का रिक्वायरमेंट एट ए टाइम बाय कर लिया, 100 किलो। अब बताओ 100 किलो तुमको संभालना भी तो है ना, मैं साल भर एट ए टाइम पहले महीने में खत्म करने वाले हो क्या? हो नहीं, क्योंकि साल भर का एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है ना वो, तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगा कि नहीं? एंड अगर छोटे छोटे ऑर्डर रहेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कम रहेगा। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल अगर ये है, तो ये टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, जहां पे आप ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? दिस इज द मिनिमम ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों मेरे भाई? तो यहां पे टोटल कॉस्ट मिनिमम है, एंड ये जिस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट मिनिमम रहता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? EOQ. क्या बोलते हैं उसको? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो टेल मी वेदर EOQ मिनिमाइजेस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट? नो। वेदर EOQ मिनिमाइजेस टोटल कैरिंग कॉस्ट? नो। इट मिनिमाइजेस टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। इट मिनिमाइजेस बोलो टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। अरे मेरे भाई, इससे भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, और भी इससे भी कैरिंग कॉस्ट भी और कम है। आप लोग ऐसे इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है तो वो ऑप्शन क्यों नहीं चूज कर रहे हो? बट इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम वाला ऑप्शन चूज करते क्या हो जाता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट में 200 रुपए बच गए, कैरिंग कॉस्ट में 500 रुपए बढ़ गए, तो अल्टीमेटली कंपनी का तो नुकसान हुआ ना। सो दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। तो आप बताओ, एट ईओक्यू दो चीजें है, एट ईओक्यू पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बोलो, टोटल ऑफ, तुम चाहो तो लिख के भी ले सकते हो, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग, टोटल ऑफ बोलो मेरे भाई ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इज केप्ट एट, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग इज केप्ट एट मिनिमम लेवल। समझता है क्या? एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड लिख सकता हूं मैं, चलो यहां पे ईयर लिख रहा हूं, मस्ट बी इक्वल टू बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मस्ट बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मस्ट बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एट ईओक्यू। एट ईओक्यू टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट। सही है बच्चों? तो आप बताओ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला रहता है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला रहता है बोलो मेरे भाई? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलो पर ऑर्डर, एक ऑर्डर देने के लिए कितना खर्चा लगता है, इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर। बट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस इन अ ईयर कैसे पता चलता है? हाँ बोलो, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ बोलो रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय EOQ, नहीं ऑर्डर साइज डिवाइड बाय क्या बोलो? जो ऑर्डर साइज हमेशा EOQ रहना जरूरी नहीं है ना बच्चों, नहीं समझा? अब अगर सर EOQ हमने पढ़ा है मेरे भाई, वो EOQ रहता है बट जरूरी है क्या हमेशा? तो हमने क्या लिखना चाहिए? ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज EOQ, ये वन ऑफ द पॉलिसी है, बराबर कि नहीं? बट कंपनी में चूज समथिंग एल्स, कंपनी बोला नहीं भाई हमको EOQ नहीं फॉलो करना है, सप्लायर हमारा डिस्काउंट देना है, नहीं समझा आपको? है या नहीं? सप्लायर हमें बल्क बाइंग पे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, समझो भले ही हमारा EOQ 2000 लीटर है, हम एट ए टाइम 5000 लीटर बाय कर रहे, क्वाइट पॉसिबल और नॉट? यहां पे EOQ एज्यूम ऐसे करता है कि सप्लायर कोई डिस्काउंट नहीं देगा, यस और नो? बट सप्लायर के डिस्काउंट की वजह से हम ये पॉलिसी चेंज भी कर सकते हैं, यस और नो? बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर बोलो बच्चों, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट बोलो पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, एंड एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 इज टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर, यस और नो? एंड आप बताओ यहां पे क्या ना, इसे EOQ एज्यूम्स दैट, ये जो भी है इट एज्यूम्स दैट, राइट, इट इज एज्यूम्ड दैट परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर, बोलो
परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर्स रिमेन्स सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर साइज। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बोलो? ऑर्डर साइज। मतलब तुम्हारा अगर एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 किलोग्राम है तो तुम 10,000 किलोग्राम एट ए टाइम बाय करो या 5,000 किलोग्राम के दो लॉट बाय करो या 2,000 के पांच या 1,000 के 10, साल भर का परचेज कॉस्ट फॉर द ईयर रिमेन्स सेम। समझ गया? मतलब परचेज प्राइस रिमेन्स सेम, नो डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड। एंड अगर डिस्काउंट ऑफर हो गए, ईओक्यू का फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। ईओक्यू का फॉर्मूला इज बोलो नॉट एप्लीकेबल। समझा क्या आपको ये? Yes or no? And बोलो आप EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? चलो मैं यहाँ पे ऊपर थोड़ी जगह है उधर लिख देता हूं मैं। बोलो EOQ का क्या फॉर्मूला है? बोलो EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी, अंडर रूट टू ए ओ अपॉन सी, वेर ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या पर यूनिट, ऑब्वियसली पर ऑर्डर, एंड सी इज कैरिंग कॉस्ट, वेरी गुड, पर यूनिट पर एनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कभी कभी क्वेश्चन में ऊपर मन दे देते, समझता है कि आपको ये ऊपर रिक्वायरमेंट एनुअल रहता है तो इंटू 12 करके उसको पर एनम कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो ईओक्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट टू एओ अपॉन सी, अंडर रूट टू एओ अपॉन सी। कुछ गया दिमाग में बच्चों? तो वेदर ईओक्यू, वेदर ईओक्यू मिनिमाइजेस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नो। वेदर ईओक्यू मिनिमाइजेस टोटल कैरिंग कॉस्ट, नो। इट मिनिमाइजेस टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, इट मिनिमाइजेस टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग, समझा? दोनों का टोटल इट कीप्स एट अ मिनिमम लेवल। एंड ऑब्वियसली ईओक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ ईओक्यू एज्यूम्स दैट, ईओक्यू बोलो assumes that there are no discounts offered by the supplier. There are no discounts offered by the supplier. I hope you understood, my friends. कुछ है दिमाग में? पक्का? Okay. तो formula याद भी रहेंगे आपको ये? बोलो total ordering cost for the year का क्या formula? अभी याद कर लो, खत्म कर दो ये। Ordering cost per order into number of orders to be placed in a year. And मैंने number of orders to be placed in a year का formula लिखा है। समझा क्या? क्या बोलो? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, इनटू क्या होता है वो बोलो? एवरेज स्टॉक। एंड एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लिखा मैंने उधर, क्या फॉर्मूला है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू एवरेज स्टॉक, ऐसा होता है कि नहीं? एंड एवरेज स्टॉक क्या होता है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय टू। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड ईओक्यू का क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट टू एओ अपॉन सी, अंडर रूट टू एओ अपॉन सी, ये किसका फॉर्मूला है बोलो? ईओक्यू का अंडर रूट टू एओ अपॉन सी। अच्छा, वेदर फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू कैन बी यूज्ड व्हेन देयर आर डिस्काउंट्स ऑफर्ड, नो। डिस्काउंट रहेगा तो फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू कैन नॉट बी यूज्ड। हम एडॉक मेथड से फाइंड करते हैं, राइट, द ऑर्डर साइज, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर साइज, वेयर टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज केप्ट एट अ मिनिमम लेवल। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का क्या फॉर्मूला रहता है? हाँ बोलो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, हाँ बोलो, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल, लिखो ये फॉर्मूला भी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट इज टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट मिनिमाइज करना ही अपना मेन ऑब्जेक्टिव है। समझ सके बच्चों? क्या मिनिमाइज करना? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट मिनिमाइज करना, ये अपना ऑब्जेक्टिव होता है। समझता है कि आपको ये? यस। बट जब हम ईओक्यू का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बच्चों, तो ईओक्यू तो वैसे भी बोलता है कि भाई तू कुछ भी कर, परचेस कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो हमने ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमाइज किया, मतलब ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट मिनिमाइज किया, क्योंकि वैसे भी परचेस कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम व्हाट एवर इज ऑर्डर साइज। बट अगर परचेस प्राइस चेंज होता है ऑर्डर साइज के हिसाब से, तो देन राइट, वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, वी कैन नॉट यूज द फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। समझा बच्चों? चलो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम में 8 मार्क के लिए वगैरह आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। समझ रहे आपको ये? चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, चलेगा?
चलेगा क्या? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6। आज का होम एक्सरसाइज याद है ना? क्वेश्चन नंबर 2 होम एक्सरसाइज है, बड़ा क्वेश्चन है बट ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। समझ आया आपको? चार मेथड से अपने को स्टोर लेजर बना के लाना है। ईएक्सी लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर क्वांटिटी डिस्काउंट्स ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। पढ़ रहे हो क्या भाई? प्राइस पर टन दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये? मतलब अलग अलग क्वांटिटी बाय किया तो अलग अलग प्राइस है क्या बच्चों? मतलब सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 5000 टन्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1200 एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिक परचेस क्वांटिटी। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी योर आंसर टू द अबोव क्वेश्चन इफ देर आर नो डिस्काउंट्स एंड प्राइस पर टन इज 1500। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला ईओक्यू, बट फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ईओक्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्या? नहीं। तो आप बताओ मुझे, सोचो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से और फिर बात करते, गड़बड़ कुछ भी नहीं अपने को, आराम से क्वेश्चन पढ़ो फिर बात करते। एडॉक मेथड यूज करना पड़ेगा, एडॉक मेथड से अपने को ऐसा बोलो ऑर्डर साइज लाना पड़ेगा विच मिनिमाइजेस द टोटल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। तो उसके लिए पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं बताओ बच्चों? अगर आपको टेबल का फॉर्मेट याद है तो वी हैव टू फाइंड आउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द ऑर्डर साइज। तो राइट डाउन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्या बोलो? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर साइज, फॉर ईच बोलो ऑर्डर साइज, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर साइज। अब ये कैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट फाइंड करते हैं वो अपन टेबल में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलेगा बच्चों? चलो आप साथ साथ में टेबल बनाएंगे मेरे। पहला कॉलम क्या लिखो बोलो? ऑर्डर साइज। क्या बोलो? ऑर्डर साइज। ध्यान है सबका? ऑर्डर साइज जो है कैसे लाएंगे अपन एडॉक साइज? ऑर्डर साइज बोलो एडॉक बेसिस पे कैसे लाएंगे? एडॉक बेसिस पे अपन ऑर्डर साइज लाएंगे। किस बेसिस पे लाएंगे बोलो? एडॉक बेसिस पे। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? उसके बाद अपने को टोटल लास्ट कॉलम क्या रहना चाहिए बताओ? इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, उसके लिए तीन चीजें अपने को लाना पड़ेगा। कौन से? परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। चलो बोलो, ऑर्डर साइज में क्या लेना चाहिए आपको याद है क्या? आप मुझे बताओ, यहां पे एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है एंड प्राइस कहां कहां पे ब्रेक हो रहा है? वो तो 500 पे, 1000 पे प्राइस ब्रेक हो रहा है कि नहीं? तो ये जहां जहां प्राइस ब्रेक हो रहा है वो हर चीज लेना कंपलसरी है। ये छोड़ के आपने को और कुछ लेना है तो ले सकते हो आप तुम, बट आंसर ये रेंज में ही आता है। समझता है कि आपको ये? तो प्राइस क्या क्या है बोलो? 500, लेस देन 500 भी एक लेते, चलो 250 लेते, चलेगा क्या? फिर 500, फिर 1000, 1000 भी प्राइस चेंज होता है ना, फिर 2000, फिर 3000 एंड फिर 5000 भी लेता हूं। 5000 मतलब क्या? साल भर का ही ऑर्डर, एनुअल रिक्वायरमेंट 5000 है ना। ये कौन सा लेने का? समझता है कि आपको ये क्या लेना कंपलसरी है इसमें? जहां जहां प्राइस चेंज होता है वो, जिसको प्राइस ब्रेक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्राइस ब्रेक, वो लेना कंपलसरी। वो छोड़ के आपको और कुछ लेना है तो ले सकते हो, तो आंसर कभी आएगा नहीं। अब समझ रहे हो क्या? ये है तुम्हारा ऑर्डर साइज। हाँ फिर बोलो, हर एक ऑर्डर साइज के कंपैरिजन में आपको प्राइस पर टन मिल सकता है क्या? हर एक ऑर्डर साइज के कंपैरिजन में प्राइस पर टन है क्या आपके पास, है या नहीं? तो ये ऑर्डर साइज आप जो लाने वाले हो वो कैसे लाने वाले हो बोलो? एडॉक बेसिस पे। समझा क्या आपको? प्राइस पर टन जो है ओके, वो क्या हुआ है बोलो? सपोज ये ए है, दिस इज बी, तो कहने से प्राइस पर टन इज गिवन टू अस। अरे हर एक ऑर्डर साइज के करस्पॉन्डिंग प्राइस पर टन दिया हुआ है आपको, यस और नो? उसके बाद बताओ टोटल परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल बोलो परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर। आप मुझे बताओ टोटल परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर, समझो ये सी है तो ये मिलेगा कैसे टोटल परचेस कॉस्ट फॉर द ईयर बोलो? मुझे लगता है कि इट इज 5000 इंटू बी। कैसे?
अरे साल भर का रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारा? 5000 इंटू प्राइस। अब कई बार सुन ए इंटू बी करते, उसको जो गलत है समझता है क्या आपको? 5000 इंटू बी करना पड़ेगा ना। अरे तुम कुछ भी रेट से बाय करो मेरे भाई, समझता है क्या? बाय तो आप 5000 करने वाले हो ना, करेक्ट और नॉट? 5000 इंटू बी, ये परचेस कॉस्ट आ गया। हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, कितने ऑर्डर जाएंगे? तो आप बोलो कितने ऑर्डर जाएंगे वो कैसे पता चलेगा? समझो वो डी है, तो बोलो क्या आएगा? 5000 डिवाइडेड बाय ए, साल भर का रिक्वायरमेंट है 5000 डिवाइडेड बाय एक ऑर्डर में बाय करने वाले ए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलेगा तो आप मुझे बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर मिल जाएगा क्या आपको? कैसे मिलेगा टोटल? बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर कितना? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 1200। तो टेल मी इज इट 1200 इनटू डी? अरे 1200 पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स डी है। चलो आगे बताओ, मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल सकता है क्या आपको? कैरिंग कॉस्ट पर इन पर एनम, समझो कैरिंग कॉस्ट पर इन पर एनम एफ है, कैसे मिलेगा? कैरिंग कॉस्ट कितना है आप बताओ, कितना है मेरे भाई? 20% है पर इन पर एनम, तो इज इट बी इंटू 20% प्राइस का 20%? यस और नो? उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर इन पर एनम इंटू एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक अगर जी है तो एवरेज स्टॉक क्या रहता है? बोलो ऑर्डर साइज मतलब ए डिवाइडेड बाय टू, ये एवरेज स्टॉक है, यस और नो? तो बोलो कैरिंग कॉस्ट पर इन पर एनम इंटू एवरेज स्टॉक आपको क्या मिल जाएगा? हाँ बोलो टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या मिल जाएगा? टोटल कैरिंग कॉस्ट अगर वो एच है तो एच मतलब कैसे मिलेगा बोलो? एफ इंटू जी मिलेगा क्या? कैसे मिलेगा बोलो? एफ इंटू जी, एफ इंटू जी टोटल कैरिंग कॉस्ट आया बच्चों। एंड आप बताओ टोटल कैरिंग कॉस्ट तक पहुंचे तो लास्ट में क्या मिलेगा बोलो? टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट अगर समझो ये आय है तो बोलो आय इज इक्वल टू क्या रहेगा? तुम ही बताओ मुझे, टोटल परचेज कॉस्ट कहा है? सी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट ई, तो इज इट सी प्लस ई प्लस एच, सी प्लस ई प्लस एच। मेरे ख्याल से इसके आगे का पार्ट क्लैरिकल है, यहां तक जो किया वो सीए का काम है, इसके आगे का बीकॉम का काम है, समझ आएगा आपको? ये फॉर्मेट हम डिजाइन कर दिए, अब बताओ इसके बाद में कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है, बट ये फॉर्मेट डिजाइन करना इंपॉर्टेंट था ना। इसमें सीक्वेंस चेंज हुआ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बट अल्टीमेटली आपको पहुंचना टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट तक है, समझ आएगा आपको ये? तो ऑर्डर साइज मैंने दिया हुआ है, एंड देखो वो जो एबीसीडी मैंने लिखा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर वो लिखिए तो आपको उसके आगे कैलकुलेशन करना ये बहुत ही बेसिक काम है या नहीं? चलो बोलो, कर सकते हो कंप्लीट? अभी प्राइस पर टन, अब अगर 250 रहा तो प्राइस पर टन कितना है? 1200, 500 पे 1180, 1000 पे 1160, 2000 पे 1140, 3000 पे 1120, 5000 पे 1120। अरे भाई ऐसे बोला है क्या नीचे आने वाला है? 3000 एंड अबव है ना वो, समझा क्या? कुछ भी रहने दो, उसके बाद में प्राइस 1120 ही रहेगा, ऑर्डर साइज 3000 है, 3000 से ज्यादा भी रहा तो प्राइस पर टन 1120 है। टोटल परचेस कॉस्ट, हाँ बोलो, 5000 इंटू 1200 कितना आता है? 60 लाख। देन नेक्स्ट 1180 इंटू 5000 59 लाख है क्या? 59 लाख, तो 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं यहां पे? तो डिस्काउंट मिल रहा है तो करना चाहिए हमने, बराबर है क्या? ऐसा ही है क्या? बाकी की भी कॉस्ट है ना मेरे भाई, 58 लाख, देन 57 लाख, देन 56 लाख एंड 56 लाख, ये परचेस कॉस्ट है, बराबर है? चलो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5000 डिवाइड बाय ए इज इट 20, देन 10, देन 5, देन 2.5, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन में रहते हैं क्या? रहते तो भी फ्रैक्शन में लिखने का मेरे भाई, ऐसा राउंड फिगर नहीं कर सकते उसको, समझता है कि आपको? अगला सर ऐसे कैसे ढाई ऑर्डर दे? ढाई ऑर्डर नहीं देते मेरे भाई, बट 2 साल में 5 देते, 2 साल में 5 दिया तो 1 साल के 2.5 हो गए ना,
ये कंपनी के बंद होने लगेगी अगले साल। आप एक साल में 2.50 ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते आप, पर दो साल में पांच कर सकते कि नहीं? तो दो साल में पांच की मतलब एक ऑर्डर, एक साल का ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ढाई ऑर्डर का ही हो गया ना, समझता है कि आपको ये? चलो नेक्स्ट, 1.66666 and 1 नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 into 20 कितना था? 24,000, देन 12,000, 6,000, 3,000, देन 2,000 एंड 1200। सही है क्या भाई? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सही है क्या? ये 1200 into D। चलो नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम बताओ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, B into 20%, 240, देन 236, 232, 228, 224, 224। सही है क्या? एवरेज स्टॉक बताओ, A डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक 125, 250, 500, 1000, 1500, 2500 एंड अब बताओ ये F into G करके यू कैन गेट टोटल कैरिंग कॉस्ट। बोलो 240 into 125 कितना था? कितना? 30,000। नेक्स्ट 59,000। नेक्स्ट 1,16,000। नेक्स्ट 2,28,000। आप देख रहे हो जैसे जैसे ऑर्डर साइज बढ़ रहा है कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ रहा है ना तुम्हारा। उसके बाद 3,36,000 एंड लास्ट 5,60,000 एंड अब ये तीन चीज का एडिशन करेंगे। कौन से तीन चीज बताओ? तो टोटल परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट करो 60,54,000। चेक करो सही है क्या? 60,54,000 सही है क्या? देन 59,71,000। नेक्स्ट 59,22,000 है क्या? सही है क्या? 59,22। नेक्स्ट 59,31, 59,31,000। नेक्स्ट 59,38 है क्या? 59,38,000 एंड लास्ट आई थिंक 61,61,200 61,61,200। मुझे बताओ सबसे कम कॉस्ट कहां पे? 59,22,000 बराबर है ना बच्चों? तो तुम्हारा उसका करस्पॉन्डिंग ऑर्डर साइज क्या है? बोलो 1000। करस्पॉन्डिंग ऑर्डर साइज क्या है? 1000। तो तुम्हारा बोलो बोलो मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस क्वांटिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल बोलो ऑर्डर साइज, इसको ऑप्टिमम ऑर्डर साइज भी बोलते हैं हम लोग, कितना है बोलो? 1000 टन्स। एट ए टाइम आपने 1000 टन बाय करना चाहिए। 1000 टन के कितने ऑर्डर देना चाहिए साल भर में? 5,000 का रिक्वायरमेंट है ना मेरे भाई, समझा के आपको? ये तुम्हारा क्या है बोलो? मोस्ट इकोनॉमिकल परचेस क्वांटिटी, या इसी को आप बोलते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंड ऑप्टिमम ऑर्डर साइज मतलब ही ईओक्यू व्हेन डिस्काउंट्स आर नॉट देयर, बट यहां पे डिस्काउंट्स थे, इसका मतलब ऑप्टिमम ऑर्डर साइज फाइंड करने के लिए हम ईओक्यू का हेल्प नहीं ले पाए, है या नहीं? पर यहां पे और एक क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि भाई अगर डिस्काउंट नहीं होता एंड प्राइस पर टन 1500 होता तो कुछ भी कर, समझ रहा है कि नहीं? कितना भी बाय कर, कितना भी बाय कर, प्राइस हमेशा क्या रहेगा? 1500। तो उस केस में राइट क्या ऑर्डर साइज होना चाहिए? तो वी कैन यूज फॉर्मूला वीओक्यू। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई कैन यूज द फॉर्मूला वीओक्यू और नॉट। तो क्या फॉर्मूला वीओक्यू का बताओ? अंडर रूट 2AO/C। अब यही ऑब्वियसली रेगुलर नोट्स में थोड़ा ऐसा लिखा रहता है, एज डिस्काउंट्स आर नॉट अफोर्ड वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ रहा है? वो मैं अवॉइड कर रहा हूं यहाँ पे, समझ रहा है क्या? रेगुलर बैच में बहुत आजू बाजू मसला लगता है आपको पता है या नहीं? तो बोलो क्या रहेगा? अंडर रूट 2 इंटू
बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, 5000 टन्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर इन पर एनम कितना है मेरे भाई, 1500 का 20% बराबर है ना, 1500 का कितना परसेंट 20%, 1500 कहां से लाए, दिया है क्वेश्चन में, तो करो 2 × 5000 × 1200 / 300, ये जो भी आया उसका स्क्वेयर रूट, आंसर इज 200 टन्स, आंसर इज 200 टन्स। तो अगर डिस्काउंट नहीं है बराबर है ना, एंड प्राइस पर टन अगर 1500 ही रहने वाला है, तो हमने 200 टन के 25 ऑर्डर साल भर में देना चाहिए, कितने ऑर्डर देना चाहिए बोलो, 25 ऑर्डर, यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, समझा बच्चों? तो कुछ थोड़ा बहुत समझा आज का, ये आज के पॉइंट समझे क्या, होमिंग साइज पता है ना, उतना करके आओ मेरे भाई, समझ आए क्या? इसके आजू बाजू में अभी कुछ मसल लग के क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो सकते हैं अगर तुम ये कंसेप्ट समझोगे तो, ठीक है। चलिए सॉफ्टवेयर फॉर द डे।